हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू जो कि है हिमालय फेयरनेस केसर फेस वॉश फॉर इंस्टेंट ग्लो, ब्राइटन एंड रिवील्स ग्लोइंग स्किन। ये 50 ml का फेस वॉश, इसका प्राइस 70 rupees है, बट आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 55-60 rupees का नायका पे पड़ जाएगा। ये इसकी स्मॉल पैकेजिंग, इसकी और भी साइज अवेलेबल है। टू परचेज करें, अगर आपको पसंद आए तब आप बड़ा परचेज कर सकते हैं। एंड इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की है, 3 इयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। नहीं जानते हिमालय ब्रांड के बारे में, गाइज ये काफी पुराना ब्रांड है, ये पूरी तरीके से हर्बल ब्रांड नहीं है, इसमें केमिकल मिक्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्किन को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देते, इनकी खास बात है। और ये काफी पुराना ब्रांड हो चुका है, सिंस 1930, मतलब कि काफी टाइम का हो चुका है, इसीलिए इस ब्रांड पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ, बहुत बिलीव है मुझे इस ब्रांड पे, क्योंकि अगर इनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं होंगे तो ये साथ ही साथ कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं देंगे। अगर पैकेजिंग की बात करी जाए गाइस, तो ये हिमालय की ट्रेडमार्क पैकिंग है, ट्रांसपेरेंट सा ट्यूब है, ग्रीन कलर का फ्लिप फ्लॉप ओपनिंग है और नोजल कुछ इस तरीके का है। कंसिस्टेंसी की बात करें गाइस, तो ये थोड़ा सा मिल्क टाइप का है, मतलब कि जैसे नहीं थोड़ा सा जिसमें इसमें ऐसे लिखा है केसर, तो इस तरीके का ये दूध में मिला हुआ ऐसा लग रहा है। और ये काफी अच्छे से फैलता है, बहुत ज्यादा लेदर नहीं क्रिएट करता। इसकी स्मेल काफी भीनी भीनी सी है, मतलब कोई बहुत हार्ड स्मेल नहीं है। अब मैं रीड करती हूँ कि ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है। अ सोफ फ्री हर्बल फॉर्मुलेशन फेयरनेस केसर फेस वॉश, ब्राइटन एंड रिवील ग्लोइंग स्किन, एनरिच विद केसर, प्रूवन फॉर इट कॉम्प्लेक्शन इनहेंसिंग प्रॉपर्टी। दिस फेस वॉश गिव्स यू अ फेयर एंड क्लियर कॉम्प्लेक्शन, पोमिनग्रेट नरिशेज वाइल मिंट कूल्स एंड कोकुम्बर सूथेस योर स्किन, लीविंग इट रिफ्रेश। यूज रेगुलरली फॉर क्लीन फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन, मतलब कि ये आपकी स्किन को फ्रेश लुक देगा। इसमें केसर मिक्स किया गया है जो कि जाना जाता है स्किन को फेयर करने के लिए, और साथ में इसमें अनार मिक्स किया गया है, ये भी स्किन को ग्लो देने के लिए यूज होता है, एंड मिंट जो कि स्किन को कूल इफेक्ट देता है, कुकुम्बर भी मिक्स किया गया है जो कि स्किन को हाइड्रेट करता है। तो ये फेस वॉश डायरेक्ट क्लेम करता है फेयरनेस का, स्किन को रिफ्रेश लुक देने का, कूल इफेक्ट देने का एंड आपके फेस को अच्छे से क्लीन करने का। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें फ्रेंड, तो इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, मतलब कि बहुत सारे केमिकल मिक्स किए गए। इसमें लॉरियल सल्फेट भी है, बट ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, इसमें पैराबेन नहीं है, बट लॉरियल सल्फेट इसमें मिक्स किया गया है। इसका फेयरनेस स्क्रब भी आता है, जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर बहुत पहले शेयर किया था, उसका भी लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, स्क्रीन में दे दूंगी, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। ये तो थी प्रोडक्ट की डिटेल, मैं शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में। गाइस, ये फेयरनेस केसर फेस वॉश मैंने पहले भी यूज़ किया है, एंड आफ्टर दैट मैंने उस टाइम इसका वीडियो नहीं बनाया था, बट अब मैंने स्पेशली इसको वीडियो बनाने के लिए इसको परचेज किया था। अगर इसके क्लेम की बात करें, इसका जो है मेन क्लेम वो है फेयरनेस। तो गाइज ये फेयरनेस देता है, इसको यूज करने के बाद आपका फेस इंस्टेंट फेयर लगता है, बट अगर आपकी स्किन ड्रायर साइड है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राइनेस की वजह से बेजान बेरुखी सी हो गई है, तो इसको यूज करने के बाद आपको इंस्टेंट फेयरनेस लगेगी। इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं आप, तो आपके कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, टैन रिमूव होगी, आप बहुत ज़्यादा फेयर वाइट नहीं हो जाएंगे, बट हाँ 1 से 2 टोन फेयरनेस आ जाएगी। कूलिंग इफेक्ट की बात करें तो मुझे एज सच इसमें कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं लगा, ये लेदर क्रिएट नहीं करता है, मतलब बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाता है, बट साथ ही फेस को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है, फ्रेशमेंट सी। तो यस गाइज, इसको यूज़ करने के बाद फेस रिफ्रेशिंग सा फील होता है। लास्ट ग्लोइंग इफेक्ट, तो हाँ इसको यूज़ करेंगे तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपके फेस को ग्लोइंग इफेक्ट देगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है गाइज, तो शायद ये आपके लिए इतना परफेक्ट ना रहे, आपके लिए और भी प्रोडक्ट है मार्केट में, बट मुझे लगता है कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा एज कम्पेयर टू ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वाले इसको ट्राई कर सकते हैं, बट उसके बाद आप कोई अच्छा सा टोनर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके पिंपल्स विम्पल्स ना हो जाएं। अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाए, जिनको पिंपल की प्रॉब्लम है उनके लिए स्पेशली आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। सो फ्रेंड, अगर रिकमेंड करने की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हिमालय फेयरनेस केसर फेस वॉश मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ड्राई स्किन वालों को, जिनकी स्किन बेजान स्किन हो चुकी है वो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले
अगर बहुत ज़्यादा ट्राई करना चाहते हैं तो करें, वरना उनके लिए और भी प्रोडक्ट है मार्केट में। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू हिमालय फेयरनेस फेस वॉश के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें एंड प्लीज़ उसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में लगा हुआ बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है, कुछ भी और प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करूँगी, सबकी हेल्प करूँगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।